मिनी ब्रिज पोटैटो फार्मिंग। बीजापुर नाम के गांव में महिदर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास जो एक एकड़ का खेत था उसमें आलू का फसल लगाया। वो बहुत मेहनत करके खेती का काम करता था। उसको रुक्मिणी नाम की बीवी और चिन्नू नाम का बेटा था। चिन्नू कभी कभी अपने पिताजी के खेत में खेती का काम करके उनका मदद करता था। महिदर के खेत के बिल्कुल बगल में एक नहर था, तो महिदर उसमें पानी को खेती में इस्तेमाल करता था। आलू का फसल डालने के लिए महिदर लाल नाम के आदमी के पास ब्याज में उधार लिया। लाल बहुत लालची आदमी था, कैसे भी करके महिदर के खेत को कब्जा करने के लिए देखता रहता था। एक दिन महिदर चलते जा रहा था, तभी लाल उसे बुलाकर, क्या रे महिदर, खेत में जा रहे हो क्या? उस मिट्टी में तुम्हारा फसल नहीं उगेगा रे। उसको मुझे बेच दो कहकर बहुत बार कहा था, मगर तुम नहीं सुन रहे हो। अगर फसल नहीं आया तो तुम मेरा कर्ज नहीं दे पाओगे, तब मुझे तुम्हारा खेत को जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। ये सब तो बहुत बड़ा प्रोसेस है ना, इतना टाइम वेस्ट होने से पहले ही अगर तुम ही वो खेत को मुझे बेचोगे तो बहुत अच्छा होगा ना, कहा। तब महिदर, देखिए मालिक, वो खेत हमें हमारा पूर्वजों से आया है, और फिर मुझे खेती के काम के अलावा और कोई काम भी नहीं आता है। उस खेत को मैं आपको नहीं बेच सकता हूँ। जरूर उस खेत में सोना जैसा फसल उगेगा, उसको बेचकर मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। और वैसे भी कर्ज चुकाने के लिए बहुत समय है ना, तब तक ब्याज आपको दे रहा हूँ ना, कहा। तब लाल, ऐसे ही तुमको कुछ मदद करने के लिए बोल रहा था बाबू। ठीक है, देखते हैं उस खेत में सोने का जैसा फसल उगेगा या फिर सोना ही उगेगा, मैं भी देखता हूँ, कहा। तब महिदर के मेहनत के हिसाब से आलू का फसल अच्छा ही आ रहा था। उसे देखकर महिदर अपने मन में, अरे वाह, फसल बहुत अच्छे से उगा है, और दो दिन हो गए तो इस फसल को बेचकर मैं अपना कर्ज चुका दूंगा और बचा हुआ पैसों से घर भी चला सकता हूँ, सोचा। फिर उस शाम को महिदर अपने बेटे चिन्नू के साथ उनके खेत में गया। उधर देखा तो थोड़े आलू गायब हो गए थे। असल में क्या हो रहा है, महिदर और चिन्नू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब महिदर, हाय रे, ये क्या हो गया है? देखने से तो ये सब उस लाल का काम लग रहा है। आधा ही दिन में फसल गायब कैसे हो गया? जरूर उस लाल ने ही कुछ किया है। हमारा फसल अच्छा नहीं आया तो उसके लिए ही अच्छा होगा, हमारा खेत को हड़पने के लिए देख रहा है वो, कहा। ये सुनकर चिन्नू, मुझे भी वैसा ही शक हो रहा है पिताजी। एक काम करते हैं, आज मैं हमारे खेत के हवलदारी करता हूँ, रात को इधर ही सोऊंगा, अगर कोई आया तो मैं आपको सिग्नल दूंगा, कहा। तब महिदर उसके लिए मान लिया। फिर उस रात को चिन्नू खेत के पास ही सो गया। सुबह को उठा, तभी चिन्नू को एक आलू अपने आप चलते हुए जैसे दिखाई दिया। फिर चिन्नू ने उस आलू का पीछा किया, तब उसको एक लिलीपुट उस आलू को पकड़कर जाते हुए दिखाई दिया। तब चिन्नू उस लिलीपुट को देखकर, हमारे खेत से आलू चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं लग रहा है, कहा। तब वो लिलीपुट, माफ कर दीजिए, मेरा नाम मोजो है, हमारा तिल्लू राज्य है, इन आलू को हम अपने राज्य में लेके जा रहे हैं, कहा। तब चिन्नू, क्या इन आलू को आप अपने राज्य में ले जा रहे हो? आपको ये किस काम आएगा, कहकर पूछा। तब वो लिलीपुट, ये आलू हमें बहुत जरूरी है, इस आलू से हम करंट उत्पादित करते हैं। हमारा साइज छोटा है मगर हमारा अकल तो ज्यादा है, इसलिए आलू से करंट उत्पादित करके उस करंट को हमारे टेक्नोलॉजी से बचाकर आलू से तरह तरह के खाना बनाकर खाते हैं, कहा। तब चिन्नू, मगर ऐसे चोरी करना बहुत गलत बात है ना, हम जी रहे हैं इस फसल के वजह से, अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास कैसे पैसा आएंगे, हम कैसे जिएंगे, कहकर उसके समस्या के बारे में मोजो को बताया। तब मोजो हंसते हुए, ये कोई समस्या ही नहीं है, हमारे पास बहुत सारा सोना है, इस आलू के बदले में हम आपको बहुत सारा सोना देंगे, आप बड़ा धनवान भी बन सकते हो, कहा। तब चिन्नू, आपके पास इतना सोना कहाँ से आया, कहकर पूछा। तब मोजो, वो बड़ा सीक्रेट है, हमारे पास कुछ शास्त्रों का किताबें हैं, उनसे सोना कैसे तैयार करते हैं वो सीखा, हमारा पूर्वजों से ही हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, मगर हमें एक समस्या है, इन आलू को ले जाना है तो ये नहर बीच में आ रहा है, अगर तुम इस नहर पर कुछ ब्रिज बना दोगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, कहा। तब चिन्नू ने उन लिलीपुट्स के लिए एक मिनी ब्रिज बनाया। फिर लिलीपुट सारे आलू को लेकर चले गए और उसके बदले चिन्नू को बहुत सारा सोना दिए।
चिन्नू ने उस सोना को लाकर उसके पिताजी को दिया और फिर जो कुछ हुआ वो सब बताया। महिदर बहुत खुश हुआ। महिदर ने लाल का पूरा कर्ज चुका दिया। असल में फसल को बेचे बिना महिदर ने उसका कर्ज कैसे चुकाया है कहकर लाल को कुछ समझ में नहीं आया। फिर महिदर ने अच्छा कार और घर खरीदकर गरीबों का मदद करते हुए उनका जिंदगी जीने लगा।